नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर भोपाल में रात 8 बजे बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम दिग्गज नेता प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे। कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक सीट जिस पर नकुल नाथ ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 की 29 लोकसभा की जो सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में होंगी। लेकिन इस दावे को सच्चाई में कैसे बदलेगी भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए देखना होगा, इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि आज जो ये बैठक होगी, ये बैठक बेहद खास होगी। इसमें कई केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे, चर्चा करेंगे, और इसी मीटिंग के सिलसिले में डॉक्टर मोहन यादव भी रवाना हो रहे हैं इंदौर से। वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रणनीति तैयार की जाएगी कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ, और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी का मिशन 29 कैसे सक्सेसफुल होगा, इसको लेकर अभी से रणनीति तैयार की जा रही है, आज की जो बैठक होगी उसके लिए कौन कौन से नेता रवाना हो चुके हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, लोकसभा के चुनाव अब जो है वो बेहद करीब आ गए हैं, बेहद नजदीक हैं, और बीजेपी पूरे दमखम के साथ इन चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। और अब सबसे बड़ा जो एक चुनौती है वो ये है कि सही प्रत्याशियों का चयन करना, और सही प्रत्याशियों को चयन करके मैदान में उतारना, और टिकट की जो घोषणा है वो भी सही समय पर कर देना, ताकि जो प्रत्याशी हैं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त समय मिले, जनता तक अपनी बात रखने के लिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सही समय मिल सके। और यही वजह है कि बीजेपी में लगातार बैठकों का और मंथन का दौर जारी, और इसी सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण बैठक आज 8 बजे शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, और प्रत्याशियों के नामों से लेकर चुनाव में क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, कैसे बात को जनता के बीच रखना है, जनता के बीच जाना है, कैंपेन कैसे चलाना है, इन तमाम बातों को लेकर मंथन होगा और चर्चाओं का दौर चलेगा। उम्मीद यही है कि बीजेपी जल्द ही अपनी जो 29 सीटों पर, मध्यप्रदेश की जो 29 सीटें हैं उन पर नामों की घोषणा कर सकती है, और इसमें तमाम सामाजिक और जातीय जो समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जातीय समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उनका भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल यह है वासु, क्या इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाना है, इसलिए भी पेच फंस रहा है और इसलिए भी मीटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की क्या मूड में है बीजेपी? बिल्कुल देखिए, बीजेपी लगातार, आप चाहे विधानसभा के चुनावों में देखें या मध्यप्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, लगातार कई चौंकाने वाले चेहरे बीजेपी ने सामने लाए हैं, और लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी कई युवा चेहरों को टिकट दे सकती है, उन्हें मैदान में उतार सकती है। कई ऐसे नेता होंगे जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी उन पर भी जो भरोसा है वो जता सकती है, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीएम जो फेस आगे किए हैं और जो मंत्रियों को आगे किया है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बीजेपी अब सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बढ़ाने के लिए, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, और उसी का नतीजा है कि नए नेताओं को लगातार सामने लाया जा रहा है और उन्हें मुख्य धारा की पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। इसका रिफ्लेक्शन लोकसभा के चुनाव में भी दिख सकता है, और वहीं कई दिग्गज नेता भी जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में मध्यप्रदेश से चुनाव लड़ते हुए जो है वो नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा जरूर इंतजार करना होगा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर ये लगातार बैठकें चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है, और इसके ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बीजेपी की ही बात करेंगे, जहां पार्टी ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत की गई है, और शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अजय सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी में सदस्यता दिलाई है।
बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान। पार्टी ने अभियान का उद्घाटन किया और बोहनी हो गई। बोहनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अजय सिंह यादव के रूप में हुई। वहीं अजय सिंह जो कमलनाथ के करीबी कहे जाते हैं, सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए बीजेपी ने महाअभियान की शुरुआत की है। महाअभियान विरोधी पार्टियों के नाराज नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की। पार्टी ने अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल से मुलाकात हुई, बीडी शर्मा से हाथ मिलाया, गले लगे और बीडी शर्मा ने पार्टी का गमछा पहना दिया। बस क्या था, अजय सिंह भगवाधारी हो गए। पार्टी के झंडे का रंग बदलते ही अजय सिंह की जुबान बदली और मोदी मोदी का जाप करने लगे। जिस तरह से आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की देश के प्रति समर्पण की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया, समस्त देशवासियों की भावनाओं को आहत किया। ऐसी पार्टी के साथ देश का भविष्य नहीं हो सकता है। ये वही अजय सिंह है जिन्हें कमलनाथ का करीबी माना जाता है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो खरगपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। हाल ही में कमलनाथ से प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल पूछा गया। कमलनाथ ने कहा, जो जहां चाहे जा सकता है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो आपके प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। एमपी में बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में शामिल कराएगी जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। इस दौरान बीजेपी उन नेताओं का भी मनुहार कर घर वापसी करवाएगी जिन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी की दरकती दीवार के बीच वो विरोधी नेता इसे अवसरवाद बता रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम लोकसभा चुनाव 2024 में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत शानदार हुई है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को उम्मीद है, आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम दमदार होगा। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है। सूबे की सत्ता हथियाने की आज धूमिल होने के बाद केंद्रीय चुनाव में अपनी साख बचाने की। शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल से एमपी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भोपाल में लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर दीवार लेखन किया। इस मौके पर कई बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये दीवार लेखन का कार्य आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बार फिर मोदी सरकार ऐसा लिखते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव प्रभारी ने दीवार लेखन किया है भोपाल में। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। मंथन के बाद संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने भी आए। इंदौर लोकसभा सीट से 3 नाम सामने आए हैं। विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सत्यनारायण पटेल के नाम सामने आए। खंडवा से अरुण यादव और किशोरी देवी शिव कुमार। राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह और दिग्विजय सिंह के नाम सामने आए हैं। देवास से विपिन वानखेड़े और सज्जन सिंह वर्मा। उज्जैन से महेश परमार और रामलाल मालवीय। बड़वानी से बाला बच्चन और ग्यारसीलाल रावत। तो जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनके नाम आपको दिखा रही हैं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। हालांकि अभी इन नामों को लेकर अंतिम मुहर लगना भी बाकी है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, संभावित नाम जो सामने आए हैं उनका एग्जैक्ट नामों में बदलना अभी टाइम है, लेकिन इन नामों को लेकर क्या लगता है, कितना मत्थापच्ची होने वाली है कांग्रेस में?
निश्चित तौर पर देखिए, लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो कांग्रेस ने भी अपनी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स में ये कही जाती है, और खासतौर पर चुनावों में, कि अगर आपने सही उम्मीदवार का चयन कर लिया तो आपने आधा चुनाव जीत लिया। उसी आधे रण को फतेह करने की तैयारी में कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है और बैठकें कर रही है। कांग्रेस में कल स्क्रीनिंग समिति के साथ ही जो लोकसभा चुनाव समिति है उसकी भी बैठक हुई, और तमाम 29 सीटों से जिन नामों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा था, मंथन का दौर चल रहा था, उनके जो पैनल हैं वो लगभग बनकर अब स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो है वो आ चुके हैं। कल कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है वो भी भोपाल पहुंची थी, यहां पर तमाम दावेदारों से भी मुलाकात की, वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की, और 1-to-1 चर्चाओं का दौर भी चला। और इन्हीं तमाम चर्चाओं के बाद पार्टी के अंदर खाने से ये तमाम सारे जो नाम है वो निकल कर आए हैं। जनता के बीच में से आप बात करें या फिर क्षेत्रों में से बात करें तो ये जो नाम है कांग्रेस की ओर से वो निकल कर आए हैं। लगभग अगर आप हर सीट पर नजर डालते हैं तो वहां से 2-3-4 नामों के पैनल जो है वो सामने आ चुके हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पे 3-4 से ज्यादा नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अब इन तमाम नामों को लेकर मंथन कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा फोकस पार्टी का ये है कि उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसके नाम जनता के बीच से है, जिसके साथ क्षेत्रीय और सामाजिक जो तमाम सारे समीकरण है वो ठीक बैठते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी अपना टिकट फाइनल करने की दिशा में जो है कदम आगे बढ़ाएगी, और कांग्रेस की ये कोशिश है कि 2019 में जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदों के विपरीत चुनावों के परिणाम आए थे, मध्यप्रदेश की 29 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, 28 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो इस तरीके के परिणाम इस बार सामने ना आए, इस बार जो परिदृश्य है बिल्कुल और हर तरीके से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, इसलिए भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात खरगोन की होगी, जहां से करीब 50 से भी ज्यादा कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। लोगों ने कार सेवकों को यहां पर भारी ही उत्साह के साथ कार सेवकों का फूल माला से स्वागत किया, फूलों की बारिश की गई, उन्हें रवाना भी किया गया। ये सभी कार सेवक अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि साल 1992 में कार सेवा के दौरान ये सभी शामिल हुए थे। दमोह में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, और एक पोकलेन मशीन और 4 डंपर को जब्त किया गया मौके से। अवैध खनन के दौरान पुलिस ने एक्शन लिया है, और एक्शन लेते हुए कुछ मशीन्स जो वहां पर रखी हुई थी उनको जब्त किया गया है। तो लगातार अवैध खनन का सिलसिला, तो दूसरी तरफ एक्शन, एक्शन के नाम पर पुलिस ने मौके से पोकलेन मशीन 1 और 4 डंपर जब्त किए। अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त हुई थी, जो मेरे द्वारा रात्रि गश्त अधिकारी को बताकर फोर्स को बुलाकर तत्काल सूचना पर दबिश दी गई, जो समन्ना के पास में एक पोकलेन से अवैध उत्खनन चल रहा था। करीब 4 डंपर थे जो पुलिस को देखते हुए, करीब जो डंपर वाले थे, 3 डंपर वाले और एक पोकलेन, वहाँ से निकल के रात्रि का समय था, जो दौड़ लगा दी, भाग गए। बाकी एक डंपर का ड्राइवर मिल गया था, और सभी 4 डंपर और एक पोकलेन 379 भादवी में जब्त की गई, प्रॉपर कार्रवाई की गई है, और बाकी के जो मौके से भागे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है।